मंगलवार पूरे दिन नीमच कलेक्टर कार्यालय सुर्खियों में रहा क्योंकि जनसुनवाई में एक शख्स कागजों की माला पहनकर घिसटते हुए पहुंचा सिंगोली तहसील के काकरिया तलाई गांव के मुकेश प्रजापति ने शर्ट भी नहीं पहनी थी कलेक्ट्रेट के बाहर उसने चप्पल सिर पर रखकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गुहार लगाई दरअसल मुकेश जनसुनवाई में कई बार पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत कर चुका है पिछले सात सालों से वो कलेक्ट्रेट के चक्कर भी काट रहा है जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने विरोध और अपनी आवास प्रशासन तक पहुंचाने का यह तरीका चुना। इस मामले में कलेक्टर ने तीन सदस्य जांच कमेटी बनाकर तीन दिनों में शिकायतों की जांच कर रिपोर्ट मांगी है दरअसल मुकेश अपने गांव से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की मुहिम चलाए हुए हैं लेकिन शिकायतों पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे और न ही कोई कार्रवाई हो रही है जनसुनवाई में पहुंचने के बाद उसने इंसाफ की मांग की और चप्पल सिर पर रखकर विरोध जताया मुकेश ने कहा कि मैं पिछले सात सालों से कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहा हूं शिकायत पर शिकायत की लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई हर सुनवाई सुनवाई में आश्वासन मिलता है लेकिन होता कुछ नहीं है थक हार कर उसने अपनी बात पहुंचाने के लिए यह रास्ता चुना मुकेश के अनोखे तरीके से विरोध की जानकारी अफसरों तक पहुंची और एसडीएम समेत कई अधिकारी आए और मुकेश को समझाने का प्रयास करने लगे मुकेश ने कहा कि जनसुनवाई में इतनी बार आने पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही मुकेश का आरोप है कि उसकी ग्राम पंचायत के सरपंच ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है शिकायत और पुख्ता सबूतों के बाद भी अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे इस मामले में नीमच एसडीएम ममता खेड़े ने कहा कि जावद जनपद पंचायत क्षेत्र के एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ उन्होंने शिकायत की है इस बारे में पहले भी जांच की जा चुकी है कलेक्टर साहब ने विधिवत जांच कर उन्हें बताने के निर्देश भी दिए हैं जिला पंचायत के अतिरिक्त सीईओ को जांच के लिए कहा है मुकेश प्रजापति का वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने एसडीएम जावद राजेश राह के नेतृत्व में तीन सदस्यों की कमेटी बना दी है कलेक्टर ने तीन दिन के भीतर ग्राम पंचायत काकरिया तलाई का दौरा कर जांच रिपोर्ट मांगी है उन्होंने कहा जनसुनवाई में मिले शिकायती आवेदनों को सभी अधिकारी पूरी गंभीरता से लें शिकायत का समय पर समाधान करके आवेदक को भी लिखित में अवगत कराएं इन तस्वीरों के बाद सियासत अब शुरू हो चुकी है एमपी कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी तस्वीर डालते हुए मध्य प्रदेश की सरकार को घेरा तो वहीं जीतू पटवारी ने लिखा नरेंद्र मोदी जी ये हमारे नए भारत की तस्वीर है आपने प्रदेश की जनता से लाडली बहना और किसानों की उन्नति के नाम पर वोट मांगे थे लेकिन मध्य प्रदेश को इस भ्रष्ट सरकार के हवाले कर दिया आज प्रदेश के हर क्षेत्र में विभाग में माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों का बोलबाला है जिनके बढ़ते आतंक से प्रदेश की जनता न्याय के लिए इस तरह रेंगने के लिए मजबूर हो चुकी है अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या मुकेश को न्याय मिलेगा या इंसाफ के लिए और इंतजार करना होगा